लेकिन नितिन भाई भी इतना अच्छा बोल लेते हैं और भावना इतनी अच्छी तो है, लेकिन उसको प्रस्तुत इतने अच्छे से कर लेते हैं। मेरा कुछ नहीं बोलना था इनको। मतलब यह है अच्छे भाव होना और उनको प्रस्तुत कर पाना, ये जीवन का एक अच्छा स्वभाव। हमारे नितिन भाई के बारे में कहते हैं कि ये चौथे काल के व्यक्ति हैं, यहाँ पर आगे इतनी इनके जीवन में सरलता सज्जनता इतना है, कुछ अपने ऊपर लेते नहीं है। बहुत जीव हैं ऐसे यहाँ पर, और आप लोग जिस ढंग से प्रसाद कर रहे हैं और आपने जो भावना रखी, निश्चित रूप से भावनाएं फलीभूत होंगी। थोड़ा समय जाएगा, और ये तो अच्छा है कि जैसे साहिब जी के परिणाम हैं, उस परिणाम के हिसाब से, निर्मलता के हिसाब से, उसी तरह के निमित्त भी मिलेंगे और अच्छे तरह से उनका महीनों बाद हो, वर्षों बाद हो, अच्छी तरह से व्यवस्थित, जैसे साधक का प्रयाण होता है वैसे होगा। ऐसे भी हम निमित्त ज्ञान तो क्या कहें, लेकिन ऐसे परिणामों से समझ में आता है। यानी जयकार करें जिनके अनंत उपकार हैं। पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, 24वें तीर्थंकर आचार्य श्री कुंदकुंद देव की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी, बहुपुण्य के रापुंज थी शुभ दे दर्शन करते हैं कि बहुत पुण्य के प्रताप से यह देह मिला। यूं तो यह जीव आदिनाथ स्वामी के काल में भी रहा होगा, चौथे काल में भी रहा होगा, लेकिन आज तक इसका विकास का रास्ता नहीं खुला। और अगर विकास का रास्ता खुला है तो हम अभी तक यहीं तक पहुंचे हैं जहां आज हम हैं। हमारे पास ऐसा कोई जाति स्मरण भी नहीं है कि हम मालूम कर सकें कि कभी हम भी उपशम श्रेणी चढ़े थे, और हमें ये भी नहीं मालूम है कि इधर गढ़ पर जो छतरी है वो हमारी है। लेकिन हमें जितना कुछ मालूम है उसके हिसाब से ये तो पक्का है कि किसी न किसी प्रबल पुण्य के योग से हमें ये पर्याय और ये सारे योग संयोग मिले हैं। इस सत्संग के मुनिराजों का संयोग दुर्लभ है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई है, और जीवों का योग। जब इधर गढ़ पर महामस्तका ही सेक था मनस्तंभ का, तब पहली बार कुछ साधक आए थे, सुरेश प्रभु, कपिल मुनि, ऐसे गोकुल जी थे। तो कभी भी उनने यही कहा कि उस तरफ पधारें, फिर तारंगा जी, फिर रास्ते में, फिर गांधीनगर में। तो ऐसे भक्ति भावना और ऐसे श्रद्धा समर्पण के जैसे बहुत वर्षों के परिचित हों, पिछले जन्म के परिचित। दायराई दिल बुरी चीज है, और वह उनका ही होता है प्रायः जिनमें मोह की अधिकता होती,
और दरिया दिल बहुत अच्छी चीज है और वह उनका होता है जिनके भीतर सम्यक की लौ जगी है अथवा जगने की योग्यता पैदा हुई। भगवान महावीर स्वामी का शासन इतना संकुचित नहीं है जितना आजकल हम लोग देख रहे हैं। लोगों ने अपने अपने कुएं बना लिए और बहुत बारिश का खेल होता है और इसके पीछे कभी कभी कुछ कठोर शब्द निकल जाते हैं तो फिर ऐसे लगता है कि महाराज जी की भावदशा थोड़ी विचित्र है, कुछ कसायाविष्ट है। वास्तव में वो कसायाविष्टता नहीं है, वो इन लोगों की अपनी तुच्छ वृत्ति कहो या पर्याय का सदुपयोग नहीं कर पाना कहो या उस जीव की वर्तमान दशा और एक तरह से उसको प्रोत्साहित करना या कुछ लोग समझें जाने और सम्यक मार्ग का अनुसरण करें। नितिन जी कह रहे थे हमें बिल्कुल पता नहीं था कैसे सेवा होती है, कैसे की जाती है, कैसे करेंगे, और लेकिन फिर भी देवशास्त्र गुरु के कृपा प्रसाद से और खासकर सहज शांत वितरागी मुद्राओं की सहज प्रवृत्ति करने से सारी चीजें आपो आप व्यवस्थित चलती रही। और जिस ढंग से अभी संघ विराजित है ना, ऐसे ही रहा है तो 9 दिन क्या, 90 दिन कब निकल गए वो भी पता नहीं पड़े, 10 दिन क्या, 110 दिन भी निकल जाए तो भी पता नहीं पड़ता। कारण सभी कहा था ना माता जी ने, वो बात सही है जो अलका जी वगैरह उस दिन सब पहुंचे भक्ति भावना से, हमारा किसी से कोई परिचय नहीं था, एक दो बार बस रास्ते में, तो वो जो भक्ति भावना गुरु वंदना, वो भक्ति किसी भी व्यक्ति के वचनों से उसके हृदय को परखा जा सकता है कि इनकी योग्यता की होनहार की भावना कैसी है। तो हमने नीचे आके यही कहा कि देखो भक्ति, गुरु भक्ति कैसे होती है और कैसी होती है सीखो, क्योंकि साधक जन मुनिजन अपने ढंग से गुरु भक्ति करते हैं, लेकिन एक वह भी तरीका, और तब भाव एक बना। कि अगर रास्ते में कूबा पड़ता होगा तो अपन जाएंगे और फिर उसके लगभग दूसरी बार से ही अच्छा आग्रह होने लगा कि आपको तो आना ही। और एक दिन तो आत्मानंद जी साहिब जी श्री पुरम, हाँ बाद में तो बहुत सारे लोग भी आए और खासकर वो दादाजी आज नहीं है, कितने बार आते थे और वो हमारे दर्शन करें ना करें, वो बोरवेल जो था बाहर कुआ उसके 3-4 चक्कर अंदर तक ना आए, वो हमने भी देखा अंदर नहीं आए, वो पहले आए अंदर दर्शन किए सब किया, लेकिन वो 2-3 बार हमने देखा बाहर ही बोरवेल के चक्कर लगाना, रस्सी देखना, पाइप देखना, और उसके बाद वहीं से वापस अंदर, और दर्शन की भी कोई बात नहीं, मतलब कितना भोलापन और कितना अपनापन और कितनी आगे की फिक्र जी, ऐसा उनको जिम्मेदारी थी उससे। अच्छा अरुण भाई हमारे ऐसा कहते हैं कि वो यहाँ के हमारे हनुमान जी काम में आ गए। तो जो भी है, लेकिन आपको बताया कि रुचि मतलब सिर्फ गुरु के चरण पकड़ लेना ही रुचि नहीं होती है। अभी देखना कभी है, अभी अहमदाबाद के श्रावक जन है लेकिन गिनती के हैं, और जब वहां पहुंचेंगे तो समूर्छन की तरह बहुत पैदा हो जाएंगे और अपने आप को सबसे आगे रखने की कोशिश करेंगे। तो वो महत्व की बात नहीं है, महत्व की बात है कि आप जड़ों में कब से हैं, आपने वास्तव में उसके लिए कितना योगदान दिया है, आपने हमारे चरण पकड़ लिए हैं वह महत्वपूर्ण कम है, लेकिन हमारे आगे पीछे, हमारे ऊपर नीचे बुजुर्ग साधु हैं, कमजोर साधु हैं, चर्या के संबंध में कुआ है, शुद्धि है, श्रावक जन है, विधि है, उस पर आपने कितना गौर किया। वो तो मुनि है, पितरागी है, उपास हो जाएगा, उनकी विधि ना मिलेगी,
प्रतिपल संख्या नहीं मिलेगा तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। शरीर को फर्क पड़ता होगा तो पड़ेगा, लेकिन वो विचलित नहीं होता। तो बहुत अच्छी लकीर आपने लाइन बोली उसमें कि ऐसे साधु, उम्र कुछ भी हो लेकिन ऐसे साधक की किसी के चेहरे पर आकुलता की एक लकीर नहीं है। और साधक जीवन का ये सबसे बड़ा सम्मान है। कोई श्रावक ऐसा अगर भावना रखता है, बोलता है, तो कारण कि साधक जीवन में विपरीतताएं आ जाती हैं तो कदाचित चेहरे पर लकीर आना आसान है कि देखिए कैसा लोग है, कैसी माहौल है, लेकिन फिर भी अपने को सहज बनाए रखना, इसका मतलब है इनकी क्षमता में बहुत वृद्धि हुई। ज्ञानियों, हम कहते नहीं हैं, आप लोग सचमुच में हैं। वैसे हमारी दृष्टि में तो एक इंद्रिय समूर्छन सूक्ष्म लब्ध प्राप्तक निगोदिया जीव भी ज्ञानी है, और फिर कोई चौथे गुण स्थान में विराजित हो या चौथे गुण स्थान का पुरुषार्थी हो, पांचवें गुण स्थान का पुरुषार्थी हो, तो फिर उसको ज्ञानी कहने में कोई तकलीफ नहीं है, ज्ञानी। और यह बात है कि पर्याय में आज वो पूरी तरह ज्ञानी हो ना हो, लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा कि हम उसे ज्ञानी कह रहे हैं और उसका पुरुषार्थ जागेगा तो सचमुच में सर्वज्ञ दशा को केवल ज्ञान दशा को। देखो, अब इसको थोड़े दूसरे ढंग से समझो। जैसे अभी राजेश जी ने कहा, छोटा बच्चा रोटी बनाता है और भारत का नक्शा बन जाए तो भी माँ उसकी प्रशंसा करती है, वैसे ही बोले हमारी भक्ति उसमें कुछ कमी भी रह गई हो तो गुरुजन प्रशंसा करते हैं। करो तो सही, करेंगे तो कुछ होगा, और करेंगे ही नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो जैसे ये उदाहरण दिया, ऐसे ही जैसे कभी छोटे बच्चे को भी छोटे छोटे काम करता है तो भी माँ उसे बहुत प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे ही आप थोड़े थोड़े से भी ज्ञान का पुरुषार्थ करते हैं तो भी आपको ज्ञानी कह दिया जाता है। और राजा बेटा और यह है कि चैतन्य ज्ञायक आत्मा शुद्र द्रव्यार्थिक नय से देखो तो ज्ञानी ही तो है। अभी आपने सुना अध्यात्म सार शतक, इसका भावना तो बहुत दिनों से चलती थी, लेकिन मुंबई में 2005 का चतुर्मास था तो आचार्य गुरुदेव के प्रवचन होते थे, तभी कोई घोर मुमुक्षु जीव इतने बड़े पोथन ना कुछ लेके आचार्य महाराज के पास आए, रजिस्टर कई सारे कि हमारी आत्म ध्यान करते हैं हम, और ये हम चिंतन लिखते हैं और हमने कुछ नोट्स बनाए हैं, इसको चिंतना है, कुछ मार्गदर्शन करो। तो आचार्य महाराज ने कहा सुनील सागर जी के पास जाओ। तब तक हम उनके पास आए गाथाएं पढ़ने को, तो महाराज जी ने कहा ये सुनील सागर जी हैं, इनसे बात करो, ये सब तुम्हारा ठौर ठिकाना बराबर बताएंगे। खूब गंभीर आध्यात्मिक चर्चाएं लिखी, तो हमने उसको एक तरह से पूरा ही पढ़ा। एक वो पढ़ते थे, दूसरा प्रवचन के समय आचार्य महाराज के सानिध्य में वहाँ बैठे रहते थे। हमारा नंबर भी कभी प्रवचन के लिए आता था 7 दिन में, ऐसे आज महाराज जी का नंबर था, लेकिन अभी समय कम है, आज की बजाय वो कल पर टल गया, कल कुछ डिस्टर्ब हुआ तो ऐसे ही होता था कि आ गया नंबर 7 दिन में। और वो गुरुजनों की कृपा रहती है कि सुने भी, और कभी किसी को प्रतिबोधित करना है तो ये बोल भी पाए, इसलिए चलो हमारे सानिध्य में भी सही थोड़ा सा बोलो तो सही। तो छोटी तत्व ज्ञान पुस्तक हमारे हाथ में अक्सर रहती थी, तो जब और किसी साधक का प्रवचन चल रहा है या अनाउंस और गीत भजन चलते हैं तो उसको पढ़ते रहते थे, और उसी के में एक छोटा सा कागज रखते थे जो अच्छी बात लगे या उसके हिसाब से मन में कोई नए भाव आए हैं तो उनको कविता या दोहे के रूप में रचना लिख देना, तो वो लिखते रहते थे। वो 100 से ज्यादा दोहे हो गए, ऐसा कोई था नहीं इंटेंशन सीधा कि हमें कुछ लिखना है कुछ करना है। तो महाराज जी जो बोल रहे थे वो निरंतर सेवा में रहते थे सिद्धार्थ लोग, तो उनने देखा वो सब कागज आते थे, हम बात नहीं करते थे, अभी तो आप लोगों से थोड़ी थोड़ी बात हो जाती,
लेकिन गुरु महाराज के संगत में बात नहीं करना, एकदम मौन, एकदम सहज, एकदम कोई भी आओ बैठो, बैठे रहो, जाना है जाओ। तो फिर उनने वो किताब काफी देख ली और ये अच्छे दोहे हैं, अब आप इसका अर्थ भी लिख दो। फिर ठीक है, फिर ज्यादा आग्रह हुआ तो उसका अर्थ भी लिख दिया और फिर वो दहीसर समाज ने उस किताब को जो सुबह प्रति दी थी आपको जी वो। तो इसका कहने का आशय है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, योग संयोग बनता है तो कई सारी बातें, कई सारी चीजें अपने जीवन को बदलने में निमित्त बनती हैं। आप लोग वास्तव में शुद्ध द्रव्यार्थिक नए से भी ज्ञानी हैं और यूं सहज जीवन में देखो तो और लोगों से तो कभी कभी हमको कोई कहता है कि आप ऐसे शुद्ध आत्मा की बात करते हैं या ऐसा एकदम आत्मा का पक्ष लेते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे आप बहुत ही ज्यादा मुमुक्षुओं से प्रभावित हैं। तो हमने कहा तो मुमुक्षुओं से ही तो प्रभावित हूं, लेकिन झोला छा मुमुक्षु नहीं, टोपी वाले नहीं, मुमुक्षु इक्षा को कुला दिरात्मा। आदिनाथ भगवान को समंत भद्र स्वामी ने इक्षा को वंश का मुमुक्षु कहा है, तो हम मुमुक्षुओं से ही प्रभावित हैं, 24 तीर्थंकर सच्चे मुमुक्षु। लेकिन तो इसी सोचने से, ऐसे बोलने से क्या फायदा होता, ऐसा तो होता नहीं है। हम उनको कहते हैं ज्ञानी, ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन जितने टाइम इस टाइप का अभ्यास चिंतन करते हैं कम से कम उतने टाइम परिणामों की काफी निर्मलता होती है, विषय विकारों की बहुत हीनता होती है और वह जीव किसी ना किसी तरह से आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसका उत्थान हो रहा। तो क्रियाकांड की जगह क्रियाकांड जरूरी है, क्रियाकांड का भी एक अच्छा रूप आपके यहाँ लोगों को देखने को मिला, पूजन भी होगी तो बहुत शालीनता से डूब कर। और एक इससे भी थोड़ा सा विकसित कहो और कहो विक्षिप्त कहो, विक्षिप्त तो नहीं कहेंगे, फिर भी हमने भी उनको कहा, समझाया, सोलापुर तरफ या जो उस तरफ के मुख्य ईर्षागा जी से प्रभावित हैं, तो हमारे सनद में भी रहे सभी, तो उनकी एक पद्धति है, पूजा करेंगे जलम निरुपमति स्वाहा, हाँ शुद्ध आत्मा आहि, जय मैं शुद्ध आत्मा हूँ, हाँ शुद्धा नैवेद्यम निरुपमति स्वाहा, हाँ तुरंत ध्यान में बैठेंगे वापस, छुदा हा मी छुदा बाधा रहता है, छुदा बाधा रही तो हम। हमने एक आध बार कहा भी कि पूजा को ध्यान को अलग अलग कर लो, अब तो जो पद्धति चल रही से चल रही, फिर एक चिंतन भी आया कि इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, वह जीव भगवान जिनेश्वर को अर्घ अर्पित किया है और फल चढ़ाया है, अथवा उसने बाद में एक कल्पना की है, आधे 10 सेकंड का ध्यान किया है कि मैं छुदा रहित भोजन आदि रहित चैतन्य आत्मा हूं, कोई बुराई भी नहीं। तो परिणाम जितने अच्छे से मोक्ष मार्ग में जुड़ जाएं अच्छा है। देखो जब सच्चे मोक्ष मार्ग की समझ में आएंगी बात तो देव शास्त्र गुरु भी भार नहीं लगेंगे। किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों को गुरु भार लगते हैं, घर में शादी है कैसे क्या होगा, करते रहो शादी, बहुत हो गई शादी और शादियां करके तो कोई अमर हुआ नहीं, ऐसे समाज में कैसे घर हैं, रहने की जगह नहीं है, कैसे होगा, केवल बाह्य दृष्टि जैसे, और एक बुरा नहीं माने तो उनकी जैसे आदत बस पड़ी है मुनि भक्ति की, उसका औचित्य, उसका आनंद, उसकी महिमा मेरे को लगता है कि कई लोगों के ध्यान में नहीं, और इसीलिए उनके मन के जैसे गुरु जी मिल गए तो वाह 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 वाह, और जरा से कुछ तो भाई कैसे होगा, अब क्या होगा। तो
अगर गुरु अगर आत्म तत्व की महिमा आई है, सच्चे धर्म की महिमा आई है, तो देवशास्त्र गुरु की महिमा आएगी। देवशास्त्र गुरु की महिमा आएगी तो फिर गुरु हमें भारी नहीं लगेंगे, अपितु आ गए तो हम उनके आभारी बनेंगे। क्यों? क्योंकि यही मार्ग है, मुझे इसी पर चलना है, आज नहीं तो कल चलना है। लेकिन अपन इस मंगलमय मार्ग को समझे। श्रीमद् आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी ने एक जो समय सार में मार्गदर्शन किया पूज्य न्यायाचार्य अकलंक देव ने स्वरूप संबोधन में मार्गदर्शन किया, और अंतिम पद में तो यहाँ तक कह दिया यह द्वितीय स्वतः इति सततम् परिभाग्यवान्मयम् यायि तदाख्याति श्रुणोति चादरा करोति तस्मै परमार्थ संपदम् स्वरूप संबोधन पञ्चविंशति। इस स्वरूप संबोधन नामक ग्रंथ अकेला नहीं, अभी तो इस टाइप के कोई ग्रंथ, इस टाइप की भावना, इस टाइप के अमूल्य तत्व विचार, इस तरह की सुवाक्य कोई अभ्यास करता है, सुनता है, अनुभव में लेता है, तो वह जीव भी थोड़े भाव में भाव के पार चला जाता है। अपने को भी अभी आश्रम के पार जाना है। इसके लिए आप हमारे दिलों से पार नहीं जा सकते हैं। वो कहा ना राधा, वो एक दोहा आता है, बाण छुड़ाकर जात हो निवल जानकर मोय, हृदय से जब जाओगे तब जानूंगी तोय। ऐसा कुछ है कि कृष्ण किसी गोपिका या राधा का हाथ छुड़ा करके कि बस भाई मेरे को अपने काम से जाना है और तू चल अपने घर अपना काम कर, जाते हैं तो वो क्या कहती है कि निर्बल जान करके कमजोर जान के यूं हाथ झटक करके और आप चल दिए, लेकिन जब तुम हमारे हृदय से जाके दिखाओ तो जाने कि तुम गए। ऐसे ज्ञानियों की दशा गुरु देवशास्त्र गुरु के प्रति होती। यह मंगलमय परिणति अपनी वृद्धिंगत हो, आत्मीयता और प्रेम बढ़े, एक दूसरे के प्रति आदर बढ़े, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए। और जो साहिब जी ने पौधा लगाया है, वृक्ष बन गया है और विकास हो, जो द्वितीय सुझाव संलेखना समाधि और उस टाइप के भी विचार बढ़ें, ताकि इस भौतिक युग में भी अध्यात्म की बगिया खिलती रहे। श्रीमद् जी के सूत्र लोगों के जीवन में खुशबू बिखेरते रहें, जिन शासन की महिमा बढ़े, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए। चौबीस तीर्थंकर भगवान की जय। नेमिनाथ भगवान की जय। अथवा अपराह्न के साथ स्थापन किया।